लालुंगा में स्काउट गाइड सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित 34 बच्चों को लालुंगा विधायक चक्रधर सिंह सिद्धार्थ व जिला शिक्षा अधिकारी के हाथों प्रमाण पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ लालुंगा के तत्वाधान में राज्यपाल पुरस्कार उत्तीर्ण स्काउट गाइड का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें 34 बच्चों को राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि लालुंगा विधायक चक्रधर सिंह सिद्धार्थ व जिला शिक्षा अधिकारी आरपी आदित्य की उपस्थिति में पालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालुंगा में सम्पन्न हुआ। लालुंगा विकास खंड के 34 प्रतिभावान स्काउट गाइड को राज्यपाल से प्राप्त प्रमाण पत्र एवं मोमेंटो से सम्मानित किया, साथ ही साला के प्रचारिया एवं स्काउट गाइड मास्टर का भी सम्मान किया गया। कोरोना महामारी कोविड-19 के टीकाकरण में योगदान के लिए स्काउट गाइड मास्टर को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी, भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ के समस्त पदाधिकारी, विकास खंड के समस्त स्कूलों के प्रचारिया अधिकारी और गणमान्य नागरिकों के उपस्थिति में सम्मानित किया गया। आज जिला स्काउट गाइड संघ जिला रायगढ़ का ये लालुंगा विकास खंड के द्वारा जो स्काउट गाइड प्रशिक्षण दिया गया था, इसमें 35 बच्चों का लालुंगा से चयन हुआ है और वो राष्ट्रपति राज्यपाल महोदय द्वारा सम्मानित हुए हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और मैं विशेष करके हमारे जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय आदित्य को, उनके टीम को और यहाँ के हमारे स्थानीय अध्यक्ष आदरणीय उमेश भैया जी को, उनके टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में हमारे बच्चे लोग 35 चयन हुए हैं और आने वाला समय मुझे विश्वास है कि 35 से 3 गुना होगा, 100 बच्चे यहाँ से चयनित होगा, ऐसे मुझे विश्वास है। लालुंगा भारत स्काउट गाइड का जो स्थानीय संघ है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, यहाँ के पदाधिकारियों के नेतृत्व में, हमारे स्काउट गाइड के नेतृत्व में। ज़िले से 102 बच्चे इस बार राज्यपाल पुरस्कृत से सम्मानित हुए हैं, जिसमें 34 बच्चे लालुंगा के हैं। आगे हम पूरे ज़िले में इसका और अधिक से अधिक विस्तार करेंगे। प्रत्येक हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में एक एक दल गठित हो, यह हमारी आगामी योजना होगी कि लगभग 1000 स्कूल में हम इसको संचालित कर सकें। जो शिक्षक अच्छा किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया। सर, बच्चों के लिए कुछ आर्थिक सहायता से प्रोत्साहित किया जाएगा? इसमें आर्थिक सहायता की कोई बात नहीं होती है, जो बच्चे हैं उनका नैतिक और चारित्रिक जो विकास है वही हमारा लक्ष्य होता है और इनको जो बच्चों के हक में है कि जो भी राज्यपाल पुरस्कृत से सम्मानित होते हैं उन्हें परीक्षा में 10 अंक दिया जाता है, यही सबसे बड़े उनका पारितोषिक है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN24।